दोस्तों, जब से यहाँ पे माधव सेठ जी ने अपने ट्विटर अकाउंट पे ट्वीट किया है कि इस महीने में आप लोगों को 4 न्यू स्मार्टफोन देखने को मिलेगा, मतलब यहाँ पे अप्रैल के महीने में आप लोगों को 4 न्यू स्मार्टफोन मिलने वाला है। पहला फ़ोन तो कन्फर्म है कि रियलमी 3 था, सेकेंड फ़ोन था रियलमी 3 प्रो, पर यहाँ पे थर्ड फ़ोन होने वाला है रियलमी यू टू। तो गाइस, इतना तो निकल के आ ही रहा है कि रियलमी यू टू आने वाला है, पर यहाँ पे सबसे वर्ल्ड फर्स्ट फ़ोन होने वाला जिसमें आप लोग को मीडियाटेक का हेलियो P90 देखने को मिलेगा रियलमी यू टू में। तो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे रियलमी यू टू का कन्फर्म स्पेसिफिकेशन, कंफर्म लॉन्च डेट और इस फोन के प्राइसेंस के बारे में भी। तो गाइस, अगर आप भी इंटरेस्टेड है तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखते रहिए। बात कर लेते हैं सबसे पहले इस फोन के कैमरा के बारे में। तो गाइस, इस फोन में आप लोगों को फ्रंट में 32 मेगापिक्सल का सेल्फी पॉपअप कैमरा देखने को मिलेगा। तो गाइस, यहाँ पे सबसे पहला फोन है रियलमी की ओर से जिसमें आप लोगों को पॉपअप कैमरा मिलने वाला है। बात करते हैं रेयर में। तो गाइस, इस फोन में आप लोगों को रेयर के साइड में 2 सेटअप कैमरा देखने को मिलेगा जो यहाँ पे होने वाला 16+5 मेगापिक्सल का, और इस फोन में आप लोगों को सेंसर देखने को मिलेगा सोनी IMX586 का। तो गाइस, बात कर लेते हैं इस फोन के चिपसेट के बारे में। तो गाइस, इस फोन में आप लोगों को मीडियाटेक का हेलियो P90 देखने को मिलेगा। तो गाइस, ये वर्ल्ड फर्स्ट फोन होने वाला जिसमें आप लोगों को हेलियो P90 देखने को मिलेगा। तो गाइस, अगर आप गेमिंग करते हैं तो ये फोन आप लोग के लिए बहुत ही अच्छा होने वाला, और इस फोन में आप लोगों को ऑफिशियली फोर्टनाइट प्ले कर सकते हैं। बात कर लेते हैं इस फोन के रैम वेरिएंट के बारे में। तो गाइस, इस फोन में आप लोगों को 4GB रैम, 64GB इंटरनल स्टोरेज, 6GB रैम, 128GB इंटरनल स्टोरेज देखने को मिल जाएगा। बात करते हैं इस फोन के डिस्प्ले के बारे में। तो गाइस, इस फोन में आप लोगों को 6.5 इंचेस का फुल एचडी प्लस सुपर एमोलेड का पैनल देखने को मिलेगा, और इस फोन में आप लोगों को कंफर्म है कि इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलने वाला है। तो गाइस, बात कर लेते हैं इस फोन के बैटरी के बारे में। तो गाइस, इस फोन में आप लोगों को बैटरी देखने को मिल जाएगा 4000 mAh का बैटरी, और इस फोन में आप लोगों को फास्ट वॉक चार्जर का भी सपोर्ट मिल जाएगा टाइप सी पोर्ट के साथ। तो गाइस, बात कर लेते हैं इस फोन के प्राइस और लॉन्च डेट के बारे में। तो गाइस, इस फोन का प्राइस होने वाला इंडिया के अंदर 14 से 15 हज़ार के बीच में। तो गाइस, ये रियलमी का सबसे पहला फोन होगा जिसमें आप लोगों को बहुत ही अच्छा प्रोसेसर देखने को मिल रहा है, और इस फोन का प्राइस भी बहुत ही कम है। बात करते हैं इस फोन के लॉन्च डेट के बारे में। तो गाइस, यहाँ पे माधव सेठ जी ने ट्विटर अकाउंट पर ये तो ट्वीट किया था अप्रैल के महीने में आप लोगों को 4 न्यू स्मार्टफोन देखने को मिलेगा। तो गाइस, ये शायद ही आप लोगों को 22 तारीख को भी देखने को मिल सकता है, पर यहाँ पे ऑफिशियली इस फोन का लॉन्च डेट होने वाला मई के सेकंड वीक पे। तो गाइस, आज के इस वीडियो में आप लोग से इतना ही शेयर करना था। आई होप कि आपको वीडियोस पसंद आया। तो गाइस, वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उस बेल आइकन को भी अनेबल कर लीजिए, और एक कमेंट करके आप जरूर बताइए आप लोग को वीडियो कैसा लगा। तो गाइस, मैं मिलता हूँ मेरे कॉल लेटेस्ट वीडियो में, तब तक लिए गुड बाय।